इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा खान हमारे साथ, जो कि इन दिनों चर्चा में हैं अपने ज्ञानवापी और अन्य जो विवाद चल रहे हैं उसको लेकर के उनके कुछ बयान आए हैं। सर, आप जेल भरो आंदोलन शुरू करना चाहते हैं? जेल भरो आंदोलन का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। और कल मैं देख रहा था कि एक चैनल ने, अभी हमारी मीटिंग में फैसला भी नहीं हुआ है, उन्होंने चला दिया कि हर जिले में 2 लाख आदमी जमा होंगे, 2 लाख मुसलमान जमा होंगे, जेल भरो आंदोलन चला जाएगा। अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। मीटिंग हुई थी, मीटिंग में तकरीबन 18 स्टेट के लोग जिम्मेदार हजरात आए थे और मुख्तलिफ प्रस्ताव आए जिन पर गौर किया गया। भूख हड़ताल का भी था और कार्मिक अनशन का भी था। जेल भरो आंदोलन पे सबकी सहमति बनी, लेकिन फैसला ये हुआ है कि अभी कम से कम एक सप्ताह का समय प्रधानमंत्री को, हुकूमत को दिया जाना चाहिए कि वो इस पर, इन हालात पर, मुल्क के हालात पर अपनी लपकुशाई करें, कोई सख्त कार्रवाई करें और मिलने का समय दें ताकि हम अपने जो जमीनी मसाइल हैं वो उन तक पहुंचा सकें। एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है आपने प्रधानमंत्री को? जी जी, एक हफ्ते के बाद हमारी अगली मीटिंग दिल्ली में है, उस मीटिंग में फैसला किया जाएगा कि आगे क्या करना है। तो मैं समझता हूं कि यूपी की बात नहीं है बल्कि हिंदुस्तान गिर पैमाने पर, क्योंकि यूपी के जरिए पूरे मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और अगर मंदिर मस्जिद की बात होती, आस्था की बात होती, तो आस्था का हम सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं हमारी आस्था का सम्मान किया जाए। तो आस्था का सम्मान किया हमने, कोर्ट का सम्मान किया, कोर्ट का जो फैसला आया अयोध्या के मुतालिक, अगरचे उस फैसले से हम नाउम्मीद हैं, हमें फैसला सही नहीं लगा, लेकिन इसके बावजूद हमने उस फैसले से सहमति जताई और कहीं कोई किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। तो अगर मंदिर का मामला हो, हनुमान चालीसा का मामला हो, हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम अपने देश में अमन अमान चाहते हैं, शांति और भाईचारा चाहते हैं। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूं कि वो आस्था के लिए ये तमाम काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुल्क में बदअमनी फैलाने के लिए कर रहे हैं। तो बदअमनी तो हम किसी कीमत पर अपने मुल्क में नहीं फैला। मीटिंग हुई थी, इसके बारे में बता दीजिए कि ये मीटिंग क्यों हुई थी, इसकी बैकग्राउंड क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये मीटिंग हुई थी देश प्रेम की भावना से। मुल्क का माहौल कुछ फिरका परस्त ताकतें जो बिगाड़ देना चाहते। कितने संगठन इसमें शामिल हुए? मैंने बताया 18 स्टेट के लोग आए थे और तकरीबन हर तंजीम के जिम्मेदार सरबराह उसमें शामिल थे, मुल्क के दानिश्वर और मुल्क के उलमा शामिल। माना जाए कि ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है वो केंद्र में था इस मीटिंग? सिर्फ ज्ञानवापी नहीं, ईदगाह भी और ऐसी दूसरी हजारों मस्जिदें, बहुत सी मस्जिदों पे दावेदारी है। मैं कहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप क्यों चलते हो, एक बार में पूरी लिस्ट दो, जो कुछ भी करना है एक बार में करो, दिस वे और दैट वे। मुख्य चिंता क्या है? मुख्य चिंता हमारी, हमारा देश है, देश का अमन है, देश में अमन कैसे कायम रखे, ये हमारी मुख्य चिंता है। और मैं बताऊं कि इन तमाम साजिशों के पीछे मैं समझता हूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश है, जो श्रीलंका जैसे जो हालात हिंदुस्तान में बनते जा रहे हैं। गहरी साजिश से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं आप? इस साजिश के लिए क्या किया जा सकता है, इसी के लिए सर जोड़कर बैठ रहे हैं बार बार। नतीजा हमारे सामने कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हुकूमत बेईमानी पर आमादा है, कोर्ट से भी हमें उतनी उम्मीद नहीं है कि हमें इंसाफ मिल पाएगा, और बाकी हमारे जो दूसरे संगठन हैं उन लोगों का भी हम रवैया देखते हैं कि मुसलमानों की सरपरस्ती करने के लिए या मुसलमानों का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इन हालात में हम अपने देश में अमन व अमान कैसे बरकरार रख सके, इन चीजों पर मंथन किया जा रहा है। ये जेल भरो आंदोलन का पूरा क्या मामला है, इसमें
सीरियस हैं आप लोग? नहीं, 100% सीरियस हैं, लेकिन हमारी हत्तल इम्कान कोशिश ये है कि हुकूमत कोई फैसला अपने स्तर से ले ले, कोई सख्त कदम उठाए और हमें ये काम करने पर मजबूर ना होना पड़े। हम नहीं चाहते कि मुसलमानों को, नौजवानों को हम अपने सड़कों पर आने पर मजबूर करें, तो हम उन्हें रोकना चाहते हैं कि सड़कों पर ना आए। लेकिन अगर हमारी नहीं सुनी गई, हमारी नहीं मानी गई, तो फिर वो आखिरी कदम है हमारा। इसको क्या सरकार धमकी माने? प्रधानमंत्री को आप अल्टीमेटम भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि लोग सड़कों पर आ जाएं। धमकी तो नहीं कहा जा सकता, धमकी किसको दी जाएगी? ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है आंदोलन करना, जेल भरो आंदोलन करना। गांधी जी ने जो जिन तरीकों से देश को आजाद कराया है, मुझे लगता है कि उन तरीकों से हम इन फिरका परस्तियों से अपने देश को आजाद करा सकते हैं। प्रधानमंत्री के नाम कोई पत्र आप लोगों ने लिखा है? क्या करेंगे? रिक्वेस्ट डाली है, टाइम मांगा है और प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात करेगा। समय अगर मिल जाता है, और समय अगर नहीं मिलता है, तो एक हफ्ते के बाद हमारी दिल्ली में जो मीटिंग है उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो ये जो शिवलिंग का मामला आया है, इसको लेकर के तमाम बातें हुई हैं और ज्ञानवापी का मसला उसी लिए इतना ज्यादा तूल पकड़ गया है, तो क्या आप लोगों का स्टैंड है उस पर? और कल तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी रो पड़े, लगभग आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा कि हजारों साल से शिवलिंग पर वजू होता था, ये देख करके रोना आ रहा है, क्योंकि शिवलिंग पर कुल्ला भी किया जाता है वजू के अंतर्गत। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हौज जो होता है उसमें से ऐसे पानी लेकर बराबर में नाली बनी होती है, वो सारा पानी कुल्ला वगैरह सब उसमें किया जाता है, हौज में नहीं किया जाता है। और हौज के बीच में आप तमाम मस्जिदों में, जामा मस्जिद दिल्ली में देखिए जाके, हर हौज में ऐसा शिवलिंग मौजूद है, ऐसा फवारा मौजूद है जिसे इन लोगों ने, फिरका परस्तों ने। और कोई अगर रो रहा है, तकलीफ महसूस कर रहा है, तो वो इसलिए तकलीफ महसूस कर रहा है कि शिवलिंग की बेहुरमती हुई है। और सच्ची बात यह है कि शिवलिंग की अगर बेहुरमती होती है तो हर हिंदू के दिल को तकलीफ होनी चाहिए, रो देना चाहिए, और वो मैं करता हूँ या कोई भी करता है उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन शिवलिंग की कहीं बेहुरमती नहीं की गई है। उन लोगों को गलत फहमी हुई है, जानबूझकर कर रहे हैं या नादानी में कर रहे हैं, उन्होंने फव्वारे को शिवलिंग समझ लिया है। तो अभी जो एक सपा समाजवादी पार्टी की नेता हैं, उनको इसलिए निष्कासित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने राय दी कि अगर सिद्ध हो जाता है कि वो शिवलिंग है तो उसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। तो ये क्योंकि जांच तो चली रही है। नहीं, साबित तो अयोध्या हो गया था कि मस्जिद है, मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई है, मुसलमानों की मिल्कियत है, ज़बरदस्ती उस पर हमलावर हुए और ज़बरदस्ती उसको मिसमार कर दिया गया, साबित हो गया, मिल्कियत मान लिया गया। उसके बाद उन लोगों की आस्था का एहतराम करके उन लोगों के हवाले कर दिया गया, हमारी आस्था पर तवज्जो नहीं दी गई। तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी मुसलमान हिंदू देवी देवताओं के लिए या शिवलिंग की बेहुरमती करने के लिए कोई ऐसा कदम उठा ही नहीं सकता जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। ये हमारे साथ मुसलसल हो रहा है और हम इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आम हिंदू, देश का आम हिंदू, उन गहरी साजिशों को समझे जो हमारे देश का लोकतंत्र ख़त्म कर देना चाहते हैं। मैं बताता हूँ, अगर आपके चैनल पे मेरे अल्फाज के लिए जगह हो तो मैं तफसील से बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान का बंटवारा भी जो हुआ है उसमें भी मुसलमानों का कहीं कोई हाथ नहीं था। उसमें एक शख्स जो अपनी बिरादरी से निष्कासित कर दिया था, काठियावाड़ का, गुजरात का रहने वाला था। जिन्ना साहब की बात कर रहे हैं? मैं प्रेम जी भाई की बात कर रहा हूँ जिनको निष्कासित कर दिया गया था। और उनके बेटे
पूंजालाल ठक्कर उस बेइज्जती से नाखुश होकर, नाराज होकर, गुस्से में, इस्लाम के लिए नहीं आए, मुसलमानों के लिए नहीं आए, बल्कि अपनी बिरादरी को, अपने समाज को सजा देने के लिए, उनसे नाराजगी का इजहार करने के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपने बच्चों का और अपनी बीवी का नाम वगैरह तब्दील कर दिया। तो पूंजालाल ठक्कर के दूसरे भाई जो थे वो हिंदू ही रहे, पूंजालाल ठक्कर मुसलमान हो गए। और उस वक्त हिंदुस्तान में कराची हुआ करता था, वो कराची जाकर बस गए। उसके बाद आरएसएस की गहरी साजिश का शिकार हुए मोहम्मद अली जिन्ना, जो असल में पूंजालाल ठक्कर के साहबजादे हैं, जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, ताल्लुक नहीं था। उन्होंने, पाकिस्तान वाले नाराज हो जाएंगे, दुनिया नाराज हो जाए, लेकिन जो बात हकीकत है वो हमें कहना चाहिए। हिंदुस्तान में आज मुसलमानों को पाकिस्तान का नाम ले लेके दबाव बनाया जाता है, सताया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ, आज भी जो कुछ हो रहा है वो 47 दोहराने की कोशिश की जा रही है। आज भी एक और बंटवारा हिंदुस्तान का करवाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू राष्ट्र तब तक नहीं बन सकता जब तक यहाँ 20-25 करोड़ मुसलमान है। फिर एक धमकी छुपी है आपकी बात में। नहीं, इनको कैसे निकाला जाए, ये आरएसएस और बीजेपी की साजिश है। उस साजिश को आम हिंदू जब तक नहीं समझेगा, देश का माहौल ठीक नहीं हो सकेगा। मैं ठीक नहीं कर सकूंगा, उसके लिए आम हिंदू को मुखर होना पड़ेगा और इन तमाम चीजों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आप एक छुपी हुई धमकी दे रहे हैं कि दूसरा बंटवारा होगा। मैं हिंदू समाज को कह रहा हूं कि दूसरा बंटवारा नहीं होना चाहिए। आप लोग जब तक खड़े नहीं होंगे, हम अपने देश की एकता और अखंडता को बरकरार नहीं रख सकते। हम तनहा नहीं कर सकते जब तक आप हमारे साथ नहीं आएंगे। ये कहा जा रहा है कि तौकीर रजा साहब फिर अपने पुराने फार्म में आ गए हैं, अब ताजमहल पे भी बुलडोजर चलवाना चाहते हैं। नहीं, मैं ये ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि अगर हिंदुस्तान में गुलामी के प्रतीक जितने चिन्ह हैं उनको मिटाने की बात है, तो एक ज्ञानव्यापी से काम नहीं चलेगा, एक अयोध्या से काम नहीं चलेगा, एक मथुरा से काम नहीं चलेगा। ऐसे बहुत से प्रतीक हैं, उसमें लाल किला भी है, उसमें ताजमहल भी है, उसमें हावड़ा ब्रिज भी है। तो ऐसे तमाम प्रतीकों को पहले उन पर बुलडोजर चलाइए, फिर मस्जिदों पर आइए। तो मस्जिदों पर हमला करने का मतलब यह है कि आप मुसलमानों से नफरत करते, मुसलमानों को सताना चाहते। असल में आपका मकसद वो गुलामी के प्रतीक चिन्ह है जो हैं वो हटाना नहीं है। तो हुकूमत हिम्मत करे, और प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ी बड़ी हिम्मत के काम किए हैं, मैं समझता हूँ ये हिम्मत का काम भी कर सकते हैं वो। और अगर ताजमहल पर खुदाई करवाई जाए तो मुझे यकीन है कि त्रिशूल वहाँ से भी बरामद होगा, और शिवलिंग और त्रिशूल लाल किले से भी बरामद होगा। क्यों क्यों ये यकीन है? मुझे यकीन है। क्यों है यकीन? क्योंकि ये देश तो हमेशा से भाई मुगल कितने दिन के लिए आए थे, और मुगलों को जो आम हिंदू को बहकाया भड़काया जाता है कि लुटेरे थे, लुटेरा आपने कहीं देखा है कि किसी घर में डकैतों ने हमला किया हो और वो वहां बस गए हो और वहां घर में तामीर कराना शुरू कर दी हो? हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जो मशहूर जितने निशानात हैं वो उन्हीं लोगों ने यहाँ बनाए हैं, यहाँ रहकर हिंदुस्तान को सजाने और संवारने का काम किया है। उनको आप लुटेरा कह के आप क्या कहना चाहते हो, हमारी समझ में नहीं आता है। आप तो उन्हीं के दूसरे बहुत सारे लोग जो एजेंडा चलाते हैं या सही बात कहते हैं गलत बात कहते हैं, ताजमहल को वो भी कहते हैं कि हाँ भाई मंदिर था, आप भी कह रहे हैं कि मैं मान रहा हूँ तेजो महाले है, कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कार्रवाई तो करो। स्टेप बाय स्टेप क्यों चल रहे हो? पूरी लिस्ट लेकर आओ। एक बार में तुम्हारी हुकूमत है, अभी 2 साल के बाद रही ना रही, 2 साल का समय है आपके पास, अभी सारी लिस्ट ले आइए, एक बार में फैसला कर लीजिए। तो जय जो करके बैठने को तैयार है, जो अगर मान लीजिए कोई कह रहा है तो वो तो कह देगा कि भाई एक एक करके होगा। नहीं, आप सही बात करिए। इसका आप घुमा फिरा की बात को क्यों कर रहे हैं? जो आपके दिल में है वो कहिए ना। नहीं, मैं जो दिल में है मैं वही कह रहा हूँ। इसका मतलब ये है एक एक करके होगा,
तो एक एक साल में, दो दो साल में, पांच पांच साल में अयोध्या तो कितने लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा तो, होगा तो वही जो न्यायालय कहेगा ना, न्यायालय पर भरोसा है कि नहीं है? मैं बाबरी मस्जिद का फैसला देखने के बाद मैं ये समझता हूँ कि अब न्यायालय को अपना एतबार बहाल करने का दोबारा मौका मिला है। अपना एतबार वो बाबरी मस्जिद का फैसला करके अपना एतबार खो चुके हैं। ये मौका है उनके पास कि अपना एतबार बहाल करें और दुनिया को बताएं कि न्यायालय पक्षपात नहीं करता है, जो सच्चाई होती है और जो हक होता है उसी के हक में फैसला होता है। आपको लगता है कि बाबरी मस्जिद ने पक्षपात किया न्यायालय ने? एक अदना से कानून के स्टूडेंट को आप वो फैसला पढ़वा दीजिए, फैसला सुनवा दीजिए, वो भी यही बात कहेगा कि फैसला बिल्कुल नाजायज फैसला हुआ है, लेकिन हमने अपने देश के अमन अमान के लिए सब्र किया और उस फैसले का विरोध नहीं किया, इख्तिलाफ नहीं किया, तो खामोशी इख्तियार की। मैं ये कहता हूँ कि आज न्यायालय को मौका मिला है, वरना मुझे तो ऐसा लगता है, चाहे इसके लिए मुझे नापसंद किया जाए या बुरा समझा जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर कोई जज राज्यसभा का मेंबर बनने वाला है, फिर कोई जज जो उनकी बात ना माने, सरकार की बात ना माने, कोई औरत उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है, उस पर बलात्कार का इल्ज़ाम लगा सकती है, फिर किसी जज पे दबाव बनाया जा सकता है, फिर किसी जज को राज्यसभा का लालच दिया जा सकता है। लेकिन मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट को आज मौका मिला है अपने निष्पक्ष होने का साबित करने का। मुझे यकीन है जस्टिस रंजन गोगोई पर आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं किसी पर आरोप कोई नहीं लगा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट से आस्थाएं हिंदुस्तानी मुसलमानों की, हिंदुओं की, तमाम लोगों की जुड़ी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जो फैसला करेंगे वो निष्पक्ष होगा और उनका जो खोया हुआ इस बार है वो बहाल किया जाएगा। कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप आजम खान साहब के पास पहुंच गए? किससे, किस हुकूमत से बदला लेना है? मिलजुल के क्या क्या आप खिचड़ी पक रही? खिचड़ी तो भूखों को खिचड़ी तो पकाना ही पड़ेगी, कुछ पेट भरना है तो। लेकिन आजम खान से कट सी मुलाकात थी, बहुत लंबी तकलीफ और अजियत, और मैं ये कहता हूँ कि बेगुनाही की सज़ा भुगत कर वो आए हैं। बताइए, आज़म खां जैसी शख्सियत, आज़म खां जैसी उन पर बकरी चोरी का इल्ज़ाम, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? उस बकरी चोरी के इल्ज़ाम में 27 महीने किसी को जेल में रखो, ज़मानत ना होने दो, उसको बाहर ना आने दो, इससे बड़ा अन्याय। तो उनके पास मैं मुबारकबाद देने गया था उनकी रिहाई के लिए और उनसे मुलाकात करने गया था, उनसे जानने गया था कि किन किन तकलीफ़ों से आपको गुजरना पड़ा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद किसी वक्त उन तकलीफों से मुझे भी गुजरना पड़ सकता है। आपने कहा मिल करके हुकूमत से हिसाब लेंगे, इसका क्या मतलब है? हाँ नहीं, हिसाब उस एक एक पल का जो आजम खान ने 27 महीने जेल में गुजारे हैं, उस एक एक पल का उन्हें हिसाब देना, हुकूमत को हिसाब देना चाहिए कि ये अन्याय, ये नाइंसाफी क्या सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं या उन्होंने वाकई कोई अपराध किया है, इसका हिसाब होना चाहिए और इसका हिसाब होगा। अब जो आप राजनीतिक एक तरीके से पारी फिर से खेलने जा रहे हैं, जिसको कहा जाता है पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, तो एक तो अपनी पॉलिटिक्स बता दीजिए, दूसरे ज्ञानवापी के मामले में अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? एक हफ्ते का आपने समय मांगा है, मीटिंग करेंगे, क्या किस ओर बढ़ने जा रहे हैं? नहीं, वो तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि समय मांगा है, एक हफ्ते के बाद हम अपनी दूसरी मीटिंग दिल्ली में करेंगे, उसके बाद फैसला किया। मैं तनहा कोई फैसला नहीं करूंगा, इत्तेफाक राय से जो फैसला होगा, क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि हमें इस मामले में सड़कों पर नहीं आना चाहिए, तो मुझे यकीन है सुप्रीम कोर्ट से भी, मुझे यकीन है प्रधानमंत्री जी से भी कि इसमें कोई बेहतर निर्णय लेंगे जो देश हित में हो और हमें सड़कों पर शायद नहीं आना पड़े। और पॉलिटिक्स का जहाँ तक सवाल है, मैं मानवता की पॉलिटिक्स करता हूँ और दोबारा नहीं आया हूँ,
मैं पिछले 20 साल से मुसलसल मानवता की पॉलिटिक्स की जद्दोजहद में हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं फिरका परस्त ताकतें जो है वो कामयाब हो जाती है और हम नाकाम हो जाते। ज्ञानवापी मामले को आप लोग कोर्ट और न्यायालय पर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा कि न्यायालय ने ही फैसला करना है, फैसला किसी ने नहीं करना है, लेकिन ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी निर्णय से इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ करें। अगर हमें फैसला पसंद नहीं आया तो प्रधानमंत्री जी ने कोई तवज्जो नहीं दी, कोई फैसला नहीं किया। क्या अगर प्रधानमंत्री जी मिलते हैं तो आप क्या इल्तजा करेंगे प्रधानमंत्री जी से? तो हम उनको जो मुल्क के हालात हैं, मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को ज़मीनी हकीकत उन तक नहीं पहुँच पा रही, उनके गिर्द जो एक हाला बना हुआ है, जो बैरियर है, वो लोग आम आदमी को उन तक नहीं पहुंचने दे रहे और आम हकीकत उन तक नहीं पहुंच रही। जमीनी जो हकीकत है मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंच। प्रधानमंत्री जी से आप कहेंगे कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है? हम शिवलिंग की बात नहीं कर रहे, फव्वारे की बात नहीं कर रहे, हम ज्ञान व्यापी की बात नहीं कर रहे, हम देश की बात कर रहे हैं। लेकिन मामला फिलहाल देश में जो माहौल है वो शिवलिंग और ज्ञानवापी की वजह से नहीं है, देश का ये माहौल। अभी जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, उनका हनुमान चालीसा हनुमान जी मस्जिद के आगे ही कबूल करने वाले थे, तो वो किस मकसद से ये काम कर रहे थे? हनुमान चालीसा का अब दौर खत्म हो गया, अब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ो हनुमान चालीसा, हिंदुओं को पढ़ना चाहिए, गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? लेकिन अभी हनुमान चालीसा आप लोगों के यहाँ चल रहा था, अभी ज्ञानवापी आप लोगों के यहाँ चल रहा है। मुझे लगता है कि ये तमाम बातें ठीक नहीं है, हमारा देश इन चीजों से ऊब चुका है। और आप जांच के पक्ष में हैं शिवलिंग मामले के, या आप मानते हैं कि नहीं वो फव्वारा ही था? देखिए मैं बता रहा हूँ, लोग इल्जाम लगाएंगे, कल बरेली की जामा मस्जिद पर इल्जाम लगा देंगे कि यहाँ ये है और वो है, तो देश को इन चीजों में उलझाए रखना है। और श्रीलंका जैसे हालात जो देश के बन चुके हैं उस तरफ से तवज्जो हटाने के लिए ये तमाम सरल काम किए जा रहे हैं। जो आप सरल साफगोई चाहते हैं उसी साफगोई के लिए हम पूछ रहे हैं कि भाई जब लोग कहते हैं कि नहीं जांच नहीं, वो पहले ही नतीजे पर पहुंच जाते हैं, तो और ज़्यादा मामला उलझता है दोनों तरफ से। अगर न्यायालय जांच कर रहा है और एक सर्वे हो रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? जो सामने आएगा मामला उसको मान लेना चाहिए। नहीं तो ऐसा एक मामला है, ऐसे यके बाद दीगरे बहुत से मामला आने हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक लिस्ट हमें अभी दे दो, हुकूमत को दे दो, सुप्रीम कोर्ट को दे दो, अभी फैसला हो जाए जो कुछ होना है, एक बार कर लो, हमारे देश का माहौल मत बिगाड़ो, एक बार में फैसला करो कौन कौन सी तुम्हें चाहिए, सब एक साथ। दो लाख वाली आपने बात कही, गलत कई जगह चली। इस जेल भरे आंदोलन जो भरो आंदोलन में जो आप शुरू करने जा रहे हैं, कितने लोग शामिल होंगे, क्या आपका अंदाज है? क्योंकि आपको उसका संचालन करना पड़ेगा, उसका जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं, हम उसके लिए सेंट्रल टीम बनाई है और हर सूबे की जिम्मेदारी उसके लिए अलग अलग सुपुर्द की गई है, की जा रही है। और मैं दो लाख पर ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भाइयों की अक्सरियत भी हमारे उस आंदोलन में हमारे साथ देने को तैयार है। लोग खड़े हैं और बार बार हमारे पास फोन आ रहे हैं कि तारीख का जल्द से जल्द ऐलान किया जाए। तो ये नहीं है कि 25 करोड़ मुसलमान सड़कों पर निकल के आएंगे। अगली मीटिंग में क्या डेट तय हो जाएगी? मैं समझता हूँ कि अगली मीटिंग में डेट तय हो जानी चाहिए और पूरी रूपरेखा पर उसमें चर्चा होगी। इस दौरान में अगर कोई बेहतरी का रास्ता बनता है तो उस पर गौर किया जाएगा, वरना अगली मीटिंग में हम अपने जेल भरो आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे। क्या तारीख को है मीटिंग? मीटिंग हमारी दो दिन है, 29-30। 29-30 जी। तो 25 करोड़ लोग आप कह रहे हैं नहीं आएंगे, तो क्या रूपरेखा होगी? मैं बता रहा हूँ कि तमाम मुसलमान
जेल भरो आंदोलन में, अपने देश में एकता बनाए रखने के लिए मस्जिद हमारे हवाले कर दो, मस्जिद छोड़ दो इसलिए नहीं बल्कि हमारे देश को बर्बाद करना बंद कर दो, हमारे देश में नफरतें फैलाना बंद कर दो, इस मांग के साथ। और सिर्फ मुसलमान नहीं होंगे, उसमें हिंदुओं की भी भारी अक्सरियत। कई दिन तक ये चलेगा या एक ही दिन चलेगा? अभी इस पे फैसला अभी नहीं हुआ है कि इसे जिलावार होगा, राज्यवार होगा, कैसे होगा, या पूरे देश में? नहीं, पूरे देश में एक दिन करेंगे, पूरे देश में जिस दिन होगा तो पूरे देश में एक ही दिन होगा। और इसे कई दिन चलाना है या एक ही दिन करके छोड़ देना है, ये मीटिंग में तय होगा। तो 29 और 30 तारीख को, आने वाली 29 और 30 मई को ये फैसला हो जाएगा कि जो आंदोलन, जेल भरो आंदोलन है, उसका प्रारूप क्या होगा और वो किस तरीके से चलाया जाएगा। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, बरेली।